नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने की शिरकत, विभाग की कई योजनाओं का किया शुभारंभ। 6 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। हर परिवार के 2 दुधारू पशुओं को मिलेगा 40,000 रुपए का बीमा। मुख्यमंत्री की गंगापुर सिटी यात्रा, कहा राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आमजन दे सुझाव। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मनाया गया। कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान, उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह में हर जिले से 3 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। प्रदेश के कुल 50 जिलों से 149 शिक्षकों को भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। राज्य के विद्यार्थियों को ई एजुकेशन की उपलब्धता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की लॉन्चिंग भी की गई। जो स्मार्ट क्लासरूम के बारे में सीएसआर फंड के माध्यम से जो इन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, मैंने किया है, अमोल साहब ने किया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पहली बार जो देख रहा हूँ मैं स्कूल में कंप्यूटर सिखाने का कंप्यूटर स्ट्रक्चर की भर्ती भी की गई। सबसे पहले मेरे वक्त में ही भर्ती शुरू हुई थी। 1-4 तक के ये कंप्यूटर पाठ्यक्रम बनाया गया है, बनाया जा रहा है। मिशन स्टार्ट 12,000 स्कूलों में 50,00,000 अतिरिक्त पेड़ होंगे, अभी बताया गया आपको। पर ये प्रोग्राम इस प्रकार का है, इतने निर्णय सरकार ने किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कल्ला जी ने समझ दिया आपको, एक से बढ़कर ये निर्णय हुए हैं, इसलिए आज राजस्थान वो राज्य नहीं रहा जो पहले रेगिस्तान अकाल सूखे पड़ते थे, पीने का पानी नहीं होता था, पानी दूषित होता था, नाइट्रेट भी और फ्लोराइड भी, ये कहावत थी देश के अंदर राजस्थान के बारे में। आज राजस्थान बदल रहा है, काफ़ी हद तक बदल गया है, इसलिए हमने कहा है मिशन 2030 एक टारगेट लेकर चले हम लोग। उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी हो सकती है वो है शिक्षक विभाग। मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 सितंबर को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके तहत प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपए का निशुल्क बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए कई बेहतरीन काम किए हैं। गौशालाओं और नंदीशालाओं को राज्य सरकार के कार्यकाल में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। लंपी रोग से मृत गायों पर पशुपालकों को प्रति गाय 40,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। साथ ही दूध उत्पादकों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहली बार देश के अंदर गायों को लेकर के मैंने बनाया निदेशालय बनाया राजस्थान के अंदर। हमने 5 साल के अंदर लगभग 3,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं गौशालाओं को देने के लिए, अनुदान देने के लिए गौशालाओं को, नंदीशालाओं को। अभी रोग आ गया था, लंपी का रोग आ गया, 1,000 गाय मर गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको मदद मिलनी चाहिए पशुपालकों को, इन्होंने परवाह नहीं करी है, ना केंद्र ने करी ना, मुझे नहीं मालूम कई राज्यों में कोई मिला हुआ पैसा। हमने 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई है पशुपालक की, उन सब के बैंकों में हमने पैसे डाल दिए हैं, DBT करके 40,000 रुपये डाल दिए हमारी सरकार ने। आगे हम लोग 6 तारीख को परसों गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर हमने तय किया है, उस दिन मैं घोषणा करूंगा। आज के बाद में प्रदेश की गायों को भैंसों को 2 पशुओं को 40,000 रुपये का बीमा होगा, प्रीमियम सरकार भरेगी, आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को गंगापुर सिटी में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का अवलोकन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गंगापुर सिटी के जिला बनने पर बधाई देते हुए कहा कि अब क्षेत्र के लोगों को अपने कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नया जिला बनने पर गंगापुर सिटी के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए जिलों के निर्माण से प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, अब नागरिकों को हर काम के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको गंगापुर जिला बनने पर हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सबको। आपकी पुरानी मांग थी, लगभग 70 साल की मांग थी जिला बनाने की। आपकी मांग, आपकी भावनाएं पूरी हुई है। अब आपको हर काम के लिए बार बार दूर नहीं जाना पड़ेगा। पूरे जिले के लोगों को नज़दीक गंगापुर में हेडक्वार्टर बनेगा, यहाँ पर मिनी सचिवालय बनेगा। तमाम अधिकारी जो है जिला स्तर के यहाँ बैठेंगे, कलेक्टर एसपी के अलावा भी, और आपको प्रशासनिक सुविधाएं मिलेगी। राज्य के विकास की गति को 10 गुना बढ़ाते हुए राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2030 निर्माण की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसके तहत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, जिससे वे उपयोगी सुझावों के माध्यम से विभाग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें। पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान मिशन 2030 के तहत विभागीय उपलब्धियों और विजन 2030 के संबंध में वीसी के जरिए सभी हितभागियों का राज्यव्यापी आमुखीकरण और सेंसिटाइजेशन किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़े अधिकाधिक हितधारकों के सुझाव विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। कार्यक्रम में इसके लिए समस्त हितधारकों को जिला परिषद वीसी रूम, पंचायत समिति वीसी रूम और ग्राम पंचायत स्तर पर ई मित्र मशीनों के जरिए जोड़ा जाएगा। इस संवेदीकरण कार्यक्रम को YouTube चैनल, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से लाखों लोगों द्वारा लाइव देखा जाएगा। महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में सोमवार को राजस्थान मिशन 2030 से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महत्वपूर्ण रूप से हितधारकों ने कई रचनात्मक सुझाव दिए। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव श्री जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने राज्य स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित महिला संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों के महिला और पुरुष प्रतिनिधियों, महिला उद्यमियों, यूएन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस उत्साह से आप सबकी ओर से जो सहभागिता की जा रही है, निश्चित रूप से आपके महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर मिशन 2030 के तहत विकसित राजस्थान बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एक बेहतरीन विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में कामयाब होगा। मिशन 2030 के तहत ICDS महिला अधिकारिता विभाग, इन दोनों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ में आज हमने अपना इंटरेक्शन रखा था। इसमें काफ़ी सारे NGOs के प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, कई महिला संगठनों से लोग उपस्थित हुए हैं और कई लोग जो महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको हमने बुलाया है और हमने इनके सामने हमारे विभाग की स्कीम्स को रखा है। इन स्कीम्स को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में इनके सुझाव दिए हैं और हम 2030 में हमारे राजस्थान को महिला विकास के क्षेत्र में कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस बाबत भी इनके सुझाव आ रहे हैं। उन सुझावों को हम नोट कर रहे हैं और जो राजस्थान का जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा 2030 के लिए, उसमें इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। और अब बात मुख्यमंत्री की मंजूरियों की। सीएम ने प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए और आम लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जोधपुर की मंडोर पंचायत समिति के CHC बनाड को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहां बेड्स की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 की जाएगी। उधर बाड़मेर जिले की पंचायत समिति फागलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने और चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार के उपस्वास्थ्य केंद्र सेमलिया चौराहा और पंचायत समिति भैंस रोड गढ़ के उपस्वास्थ्य केंद्र आगरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की मंजूरी भी दी गई है। राज्य सरकार प्रदेश की सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 131 राज्य के विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रूपांतरित करने की स्वीकृति दी है। इससे प्राथमिक स्तर के 42, उच्च प्राथमिक स्तर के 56 और उच्च माध्यमिक स्तर के 33 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में बदल दिया जाएगा। इनमें 8 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं।
सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।